हेलो एवरीबडी अ वेरी 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 ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेट मी क्विकली चेक इफ यू आर परफेक्टली लाइव एक बार रुक जाएंगे सभी बच्चे गिव मी अ मोमेंट हम्म कैसे हो आप लोग एक बार बस मुझे चेक कर लेने दो कंफर्म कर लेने दो कि हम लाइव हैं Hanji, Hanji, Hanji. Okay. All right, everyone. Welcome, welcome, welcome. Chaliye ji aajayye. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, good morning, good morning. And welcome to the today's session. Chaliye ji sabhi bacheo. Good morning. Aajaao. Good morning, good morning, beta ji. Good morning. एंड वेलकम टू दिस सेशन चलो तो आज हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं क्या सवाल पूछोगे मैडम बेरा जी आपका आज का पहला सवाल ये है कि मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था सभी ने होमवर्क किया बता दो एवरीबडी डिड देर होमवर्क आप सबको मैंने एक प्यारा सा होमवर्क दिया था क्या सभी बच्चों ने अपना होमवर्क किया समय से बताओ गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग बेटा आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गाड़ी और आगे बढ़ाएंगे है ना और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो अभी तक आप लोग मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट वन कर रहे हो है ना जोरदार तरीके से अपने पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे मैंने बोला था एक सब्जी या कोई कोई भी डिश को अच्छा बनाने के लिए उसमें इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होने पड़े वैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होने पड़े आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी कंसेंट होना पड़ा कंसेंट फ्री होना पड़ा उसके बाद में आपने देखा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा ऑब्जेक्ट कंसिड्रेशन लीगल होना पड़ा ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी दोनों दो पार्टीज दो होने पड़े लॉफुल लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का वो होना पड़ा है ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना पड़ा एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है जब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है मैडम ये सब तो बातें हमने सीख ली है आई होप कि कल संडे का दिन था तुमको छुट्टी मिली थी रिवाइज करके आए हो कि नहीं चलो बता दो होमवर्क और रिवाइज दोनों करके आए हो क्या आज की क्लास में जल्दी जल्दी बताओगे बेटा जी चलो मैडम टेक्निकल सवाल पूछ लिया आपने हम रिविजन नहीं करते ना मैडम क्यों बेटा सब रिविजन करके आए ना जल्दी जल्दी बताओ नहीं हुआ मैडम चो भाई है हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी टीचर को बोलने की मैडम हमारा रिविजन नहीं हुआ तुम तो ऐसा एकदम जल्दी जनरेशन ही अलग ही जनरेशन है सामने से कहते हो नहीं मैडम हम तो नहीं पढ़ के आए क्यों यस मैम डन वेरी गुड वेरी गुड पढ़ना पड़ेगा देखो बच्चों तुमको क्या लगता है सीए की पढ़ाई बिना पढ़े हो जाएगी क्या नहीं होने वाली ऐसे तुम को बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना पड़ा तभी होगा पढ़ाई चलिए आज की क्लास में हम हम क्या स्टार्ट करने वाले वाले हैं हैं आज की क्लास में टाइप्स ऑफ पढ़ने वाले हैं। आपको खूब मजा आएगा और खूब सीखने मिलेगा कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे सारे बच्चे तैयार है क्या अच्छा चलो तैयार हो तो आई एम श्योर तैयार हो पहली क्लास है दिन की फ्रेश माइंड से आयो संडे की छुट्टी लेकर आयो तो चलो आप लोगों को क्लास चालू करने से पहले मैं एक चीज बताती हूं ठीक है चलो एक आ, न, एक आ, टिप ऑफ द डे दे तुमको देती हूं आज की क्लास चालू करने से पहले क्या मैडम मैं तुमको सच में बताऊं सी ए फाउंडेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर कोई बच्चा यहाँ पे सितंबर एम कर रहा है या जनवरी एम कर रहा है ना आप पहले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकाल सकते हो और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए ना तुमको ना थोड़ा थोड़ा जो टीचर रोज पढ़ाता है जैसे जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं जितना एम वी सर आपको पढ़ा रहे हैं जितना पीपी सर आपको पढ़ा रहे हैं जितना तेजस सर आपको पढ़ा रहे हैं वो उतना अगर आप रोज रिवाइज करते जाओ ना और जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं उसको करते जाओ ना आप इजीली क्लियर हो सकते हो ट्रस्ट मी आपको जितना टीचर करा रहे हैं ना टीचर के साथ साथ उतना पार्ट कवर कर दो ऑनेस्टली पता है क्या होता है कि आप लोग है ना होमवर्क नहीं करते हो या रिवाइज बेटा।, तो बेटा यही अप्रोच ठीक नहीं है ट्रस्ट में आप लोग रोज होमवर्क करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जब रोज रिवाइज करोगे ना तो चीजें याद आएगी नहीं तो सब चीज दिमाग से भूल जाओगे कुछ भी याद नहीं आने वाला तो सब बच्चों को मैं एक बोलती हूं कि जितना टीचर खत्म कर रहा है ना टीचर के साथ साथ आप खत्म कर दो तो तो रहोगे सुखी और आपको सारी चीजें याद रहेगी अगर आपने कहीं पैसा छोड़ दिया ना कि अरे देखते देखी जाएगी कर लेंगे फिर नहीं होता है यार ठीक है तो टीचर के साथ साथ करना है ओके चलिए ओके मैडम ओके मैडम चलो ओके बेटा तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं मैडम जी कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देख बेटा आज है ना वैलिडिटी के हिसाब से चार तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम पढ़ोगे फॉर्मेशन के हिसाब से चार तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से कितने हैं दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है मैडम ये बहुत सिंपल है ठीक है चीके? तो वैलिडिटी के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चार तरीके के होते हैं अच्छा मैडम तो पहले अपने ये चार तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे ओके मैडम चलिए बेटा तो कहता है देखो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी Validity के हिसाब से सबसे पहला क्या क्या है बेटा valid contract. जैसे मैडम दो valid contract का जो example हम अपनी क्लास में बरसों से लेते रहे हैं मैंने तुम्हें बोला बेटा ये ले ये पेन ले, ले बदले में मुझे हजार रुपए दे दे है. जैसे ने को बोला कि तू बाइक ले, ले दस हजार रुपए की बाइक बी ने बोला ठीक है मैं बाइक ले लूंगा ओके तो मुझे बताओ ये एक अग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है क्या कल चलकर ए बाइक नहीं देता या बी दस हजार रुपए नहीं देता तो दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जा सकते हैं क्या हाँ तो ये हो होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट हो जिसमें कंसेंट भी फ्री हो पार्टी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो इन भी ना हो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता हो जिसमें सारी परफेक्ट चीजें हैं वो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहता है एक ऐसा अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगलेशन क्रिएट कर रहा होगीमेंट जो क्या क्रिएट कर रहा हो बेटा लीगल ऑब्लीगेशन को क्रिएट कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसमें सारे असेंशियल एलिमेंट होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रेक्ट के जैसे तुम पढ़कर आयो क्या

अब ये क्या हो गया अवॉइड हो गया मतलब मतलब मैडम समझाइए नहीं समझा तो सुनना बच्चा ध्यान से सुनना लेट से मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूं मैंने तुमको बोला कि ये मेरा घर खरीद ले पचास लाख का घर है खरीद ले तुमने बोला ठीक है मैडम मेरे को घर चाहिए हम पचास लाख का घर खरीद लेंगे अब मेरे को बताओ तुमने घर खरीद लिया क्या तुमने बोला हा खरीद लेंगे मैंने बोला मैं बेच दूंगी लेट्स से घर में आग लग गई घर ही जल के खत्म हो गया घर ही जल के खत्म हो गया अब मुझे बताओ क्या मैं सामने वाले को कोर्ट में घसीट के ले जा सकती हूं क्या ये देखो इसका घर जल गया इसने तो बोला था घर देगा देखो घर जल गया अब मैं कोर्ट में क्या लेके जाऊं यार का घर जल गया वो क्या बेचेगा मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट था तो वैलिड ये कॉन्ट्रैक्ट था तो वैलिड पर अब जाकर क्या बन गया अब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया अब जाके क्या बन गया बेटा ये वॉइड बन गया सारे बच्चे समझ में आ गया क्या सारे बच्चे मुझे बताओगे एवरीबडी मतलब बातें मत करो यार बच्चो डू नॉट टॉक टू इच अदर यार क्लास में ध्यान दे दो ये तुम लोग क्या स्पैमिंग कर रहे हो इधर एक मिनट कहां गई तुम्हारी लाइव चैट ही नहीं दिख रही मुझे हम्म चलो एवरीबडी तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था क्या हाँ मैंने बोला था घर खरीद लेना वो बोला घर खरीद लूंगा घर जल के राख हो गया ठीक है खत्म अब ये क्या हो गया वॉइड हो गया क्या हाँ जी मैडम अब मेरे को दूसरी एक बात बताएंगे दूसरी बात लेट से लेट से दूसरी चीज मैं गई एक पेंटर के पास मैंने बोला यार आप मेरे घर के लिए एक बढ़िया सी पेंटिंग बना दो पेंटर ने बोला ठीक है बना देंगे मैडम उसके लिए पचास हजार रुपया लगेगा मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं बना दीजिए अब क्या हुआ बेटा पेंटर मर गया तो अब मैं पेंटर को बोल सकती हूँ इसने कहा था मैं कोर्ट में ले जा सकती हूँ पेंटर को देखो इसने कहा था कि ये पेंटिंग बनाएगा पर देखो ये तो मर गया अरे आप नहीं ले जा सकते अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया विथ सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब अब आप उसके लिए कोर्ट में नहीं ले जा सकते आदमी को तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं वॉइड हो गया मतलब सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल

कहता एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड ही था पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब वॉइड हो गया मतलब सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ ठीक है ओके okay. चलो सबको समझा हाँ जी चलो अब यहाँ पे क्या कहता है देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी काफी एग्जाम्पल्स दिए हुए क्या मैडम देखो मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं बुक लिख के दूंगा विद अ पब्लिशर एक पब्लिशर आया तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है मैं आपके लिए बुक लिख दूंगा ओके okay. तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या हाँ बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है बट कुछ दिन बाद जिसको बुक लिखनी थी एक्स वो तो डाइट इन एन एक्सीडेंट अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्या हाँ क्योंकि अब ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता क्यों क्योंकि सामने वाला आदमी तो चल बसा तो ये पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पर अब आप इसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते तो ये हो गया वॉइड सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल इसके लिए कोई भी आप कोर्ट में जाके एक्शन नहीं ले सकते सबको समझा गया एवरीबडी एवरीबडी सभी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी वेरी वेरी गुड हां जी चलो अब ये देखो बेटा दूसरा भी है ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर दी सप्लाई ऑफ टेन टन ऑफ शुगर ए ने बोला कि मैं तेरे को ना एक की एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है ए ने बोला बी मैं तेरे को दस टन शुगर दूंगा बट बिफोर द सप्लाई फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग इज से शुगर फैक्ट्री में आग लग गई सारी की सारी शुगर पिघल चाशनी बन गई अब क्या बेचोगे आप नहीं बेच सकते ना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वॉइड हो गया तो आई होप आप सबको समझ में आया वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको एक चीज याद रखनी है बेटा जब भी वर्ड आएगा वर्ल्ड तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल सीज हो गया सीज मतलब खत्म हो गया आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते सीज मतलब खत्म हो जाना सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल ठीक है खत्म हो गया ओके okay. अब ये क्या कहता है यूनिट की अच्छा 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 ठीक है मैं लिंक शेयर कर दूंगी बेटा लिंक में डल गई है आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगा आगम आज ही मैं आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी चलो इट मे बी एडेड बाय द वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड

थैंक यू नाउ दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू ओके ऑलराइट तो ये हो गया बेटा void contract अब दूसरा बात आ गया voidable contract मैडम ये क्या होता है इसका एग्जाम्पल बेटा मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं चलो मैं आपको फिर से समझाऊंगी voidable contract मतलब क्या सारे बच्चे voidable contract मतलब लेट्स से ये तुम हो लेट्स लेट्स से चलो ये कौन है ये मैं हूं ये दीपिका मैम ये दीपिका है और सामने वाला कौन है लेट से ये नव है नव नव कुमार ओके okay? नव के पास ना बेटा बहुत ज्यादा नव के पास ना नव के पास ना बहुत ज्यादा जमीन है जायदाद है बहुत सारा जमीन जायदाद है ठीक है ओके okay. नव के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है नव आया मैंने नव के सर पे ना ऐसा बंदूक रख दिया मैंने सर नव के सर पे ऐसा बंदूक रख दिया और मैंने नव को बोला ये नव चुपचाप ये अपनी जो तुम्हारे पास ये जो बिल्डिंग है ना ये तुम मुझे दे दो ठीक है चुपचाप ये जो बिल्डिंग है ना ये तुम मुझे दे दो ठीक है ओके नव ने बोला ये लो मैडम ले लो बिल्डिंग मैंने बोला बदले में मैं तुझे क्या दूंगी बदले में मैं तुझे पचास रुपए दूंगी तो मुझे बताओ मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ नव के साथ क्या हो गया बेटा कोवर्शन हो गया क्या नव के साथ क्या हो गया बेटा कोअर्शन हो गया क्या यस तो अब नव चाहे ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है तोड़ सकता है इट इज वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ ये क्या है ये वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है सारे बच्चे नव चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है कैंसिल कर सकता है क्या यस नव के एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये नव के एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है देखो मेरे को तो मेरे को तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि जोर जबरदस्ती किसने की मैंने की तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का लेकिन जिसके साथ जोर जबरदस्ती हुई उसके एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है ठीक है ओके अब सारे बच्चे मुझे बताओ दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ चलो वही मैं नव को बोली नव तुम ये अपना बिल्डिंग इधर दे दो मैं तुम्हें बदले में पचास करोड़ रुपए दे रही हूं हालांकि मार्केट में इस बिल्डिंग की वैल्यू है बीस करोड़ रुपए की लेकिन मैं उसे क्या कह रही हूं पचास करोड़ रुपए दे रही हूं तो अब मुझे एक बात बताओ नव क्या कह रहा है नव कह रहे दीपिका मैडम क्या थोड़ा स्टाइल वाइल अलग है क्या

तो कहता है न जिसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले चाहे तो कर चाहे तो तो रिजेक्ट कर कर दे दे कैंसिल मुझे तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्या हाँ मेरे पास नहीं है. मैंने तो वैसे भी जोर जबरदस्ती कर रही हूं मैं मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कैंसिल करने का पर तो जिसके साथ जोर जबरदस्ती कोर्शन इन्फ्लुएंस हुआ वो क्या कर सकता है कैंसिल कर सकता है तो ये क्या हो गया बेटा वेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब आइएगा मेरे साथ इस बात को पढ़िएगा चलिए

वो इस पोजिशन में है और वो लीगली एंटाइटल्ड है ऑथोराइज है कि वो अपना पार्ट ना भी परफॉर्म कर सकता है मतलब अवॉइड कर सकता है वो कैंसिल कर सकता है तो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा voidable माना जाएगा कहता है वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म ना करे जैसे नव अपनी बिल्डिंग नहीं देगा मेरे को तो ये टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट करेगा किसी पार्टी के ऑप्शन पे मतलब अगर नव अग्रीमेंट को नव कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा तो ही ये अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा अदरवाइज नहीं नव जाके बोलता है मेड को नहीं भेजनी है पचास रुपए में बिल्डिंग मैडम ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैंने हा भर दिया पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं तो मुझे कोई बताओ कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है क्या नहीं कहता है, एक अग्रीमेंट Voidable contract, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिएबल होगा किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे ठीक है बट नॉट एट दी अदर पार्टी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को वॉयडेबल करने का नव के पास ऑप्शन है तो इट इज एनफोर्सिएबल बाई लॉ एट दी ऑप्शन ऑफ वन पार्टी इसे कहते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट सभी बच्चे बताओ सबको समझा गया एवरीबडी एवरीबडी तो देखो यहां पर अगर मैं आपको लिख के बताऊं सारे बच्चे नव कहते ये, ये, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मैंने क्या किया जोर जबरदस्ती की तो मुझे बताओ वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा, एक ऐसा ऐसा सारे बच्चे बताओगे विच इज एनफोर्सिएबल विच इज एनफोर्सिएबल जिसके लिए कोर्ट में घसीटा जा सकता है अगर न अग्री करे तो अगर में अगर न इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे तो अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करे तो अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट दी ऑप्शन ऑफ नव अगर नव इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो यह लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा अदरवाइज नॉट नॉट एट देश अनदर पार्टी नॉट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अनादर पार्टी अनदर पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ नव के पास ऑप्शन है नव चाहे तो इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो यह एनफोर्सिएबल हो जाएगा नहीं करेगा तो वॉय हो जाएगा सभी बच्चों को समझा गया बच्चे बता दो बच्चों 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 कहता देखो जनरली वॉय कब होता है बेटा वॉयडेबल कब होता है कहता जब दूसरी पार्टी के साथ कोवर्शन हुआ है जब उसका कंसेंट फ्री नहीं है उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई या तो मैंने उसे डोमिनेट करने की कोशिश की उसके साथ फ्रॉड किया उसको झूठी झूठी बातें मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो फिर क्या हो जाता है दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर ले तो इट वॉयडेबल एट दी ऑप्शन है बोला मैं स्कूटर बेचूंगा वाई को वन लैख पे जो कंसेंट था ना एक्स का वो गन पॉइंट पे लिया गया था वाई ने एक्स के सर पे गन रख दिया बोला चल बोल तू अपना स्कूटर बेचेगा लाख रुपए में एक्स ने बोला ठीक है मैं अपना स्कूटर बेच लाख रुपए में तो तो पे X क्या है पार्टी है है तो X. X के पास option है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देने का बट वाई के पास ऑप्शन नहीं है इट मीन अगर एक्स कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है बेटा तो तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एनफोर्सिबल बाय लॉ बन जाएगा लेकिन वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का या रिसाइंड करने का मतलब कैंसिल करने का ऑप्शन वाई के पास नहीं है सारे बच्चे मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है, है, तो मतलब है एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा अगर एक पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी जो अग्रीव्ड पार्टी है एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इसको कहते हैं वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट सारे बच्चे क्या मैडम voidable कब होता है जब दूसरे पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती उसका कंसेंट जब फ्री ना तो तो ये कॉन्ट्रैक्ट दूसराबल है ओके okay, क्लियर है ओके बेटा वेरी वेरी गुड अच्छा अब हम बात करेंगे इीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैडम देखो आपको पता ही चल जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ फॉरबिड करता है फॉरबिड का मतलब क्या होता है 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 बेटा मना करता है। मना करता करता लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बताऊंगी सबसे पहले इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इन आर नॉट इन इलीगल ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ सारे बच्चे ध्यान से सुनना okay? पहले मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताती हूं इलीगल अग्रीमेंट एंड वर्ड अग्रीमेंट के बीच का आप फर्क मेरे से समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा मैडम इसका इसमें क्या फर्क है मेरे को एक बात बताओ मैंने एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने बोला कि तुम ये लो दस हजार रुपया लो और तुम मुझे क्या दे दो ड्रग्स दे दो मुझे बताओ क्या ये इीगल अग्रीमेंट है क्या लॉ प्रोहिबिट करता है क्या ये इलीगल है क्या ये है लीगली क्या है, आप ये कर सकते हो क्या नहीं क्या ये इलीगल है हाँ अच्छा मुझे बताओ इसके लिए मुझे सजा भी मिलेगी क्या लॉ इस काम को करने के लिए प्रोहिबिट करता है क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है क्या ये काम यस yes. अच्छा मुझे बताओ मुझे पनिशमेंट भी मिलेगी क्या ऐसा काम करने से अगर मैं ये ड्रग डीलिंग वगैरह कर रही हूं तो मेरे को पनिशमेंट भी मिलेगी क्या हाँ तो ऐसे अग्रीमेंट्स हो गए बेटा इलीगल जैसे ड्रग डीलिंग किसी को मारना पीटना ये सब इलीगल काम है लॉ मना करता है करने के लिए ये सब मत करो ये क्या है प्रोहिबिटेड बाय लॉ इीगल अच्छा अब मेरे कोई बात बताओ मेरे कोई बात बताओ वॉइड अग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं लेट से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया किसके साथ मैंने माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया वो माइनर के साथ ठीक है मैंने बोला माइनर को कि तू मुझे ये सामान दे दे बदले में ये ले आपने एक चीज पढ़ी थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए

तो बेसिकली आप बच्चों ये बात समझिएगा कि सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट्स जो होते हैं इलीगल अग्रीमेंट्स जैसे मैंने आपको ड्रग डीलिंग का भी एग्जाम्पल दिया इीगल अग्रीमेंट्स तो होते ही वॉयड है पर सारे वॉयड अग्रीमेंट्स जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि तू शादी मत कर मैंने तुझे पैसा दिया और बोला कि चल तू अब शादी मत कर ये ले दस लाख रुपए शादी मत करना तो ये हो गया वॉयड अग्रीमेंट ये वॉयड है लेकिन मुझे बताओ क्या ये चीज इलीगल है क्या क्या मैं तुमको कोई ऐसा काम करने बोल रही हूँ जो लॉ मना कर रहा है जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ नहीं नहीं इल्लीगल नहीं है तो कहते है, सारे इल्लीगल अग्रीमेंट्स तो वॉइड होते ही हैं पर सारे वॉइड जरूरी नहीं है इल्लीगल हो जैसे मैंने तुम्हें पैसे दिया और बोला कि तू यहाँ पे शादी मत करना तुम शादी मत करो अब आजीवन शादी मत करो ठीक है ऐसे अग्रीमेंट्स वॉइड है लेकिन ये इल्लीगल नहीं है मैं मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी ऐसे अग्रीमेंट एंटर करने के लिए लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा लॉ नहीं बोल रहा ये गलत काम है कि तुम ये सजा मिल जाएगी इसको नहीं बेसिकली आपने भी यहाँ पे क्या पढ़ा ये लाइन का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो इल्लीगल अग्रीमेंट्स होते हैं जैसे जो लॉ प्रोहिबिट करता है जिन को करने के लिए, पकड़ और मुझे ड्रग्स दे दे अब तुम अगर ड्रग्स नहीं देते तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ क्या तुमको पकड़ के कोर्ट में ले जा सकती हूं देखो इसको दस हजार रुपए नहीं देता मेरे को ऐसा होता है क्या नहीं कहता इलीगल अग्रीमेंट वॉइड है वॉइड मतलब लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है ये वॉइड है पर सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते जरूरी नहीं है जैसे मैंने मान लो तुमको पैसा दिया और बोला कि शादी मत कर या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर अग्रीमेंट करना तो वॉइड अग्रीमेंट जरूरी नहीं है इीगल हो ओके चलिए ओके अब जैसे देखो सिमिलरली आर अग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इट इज एन इीगल अग्रीमेंट ब्राउन शुगर मतलब वो drugs की बात कर रहा है इीगल अग्रीमेंट तो हो गया, ये illegal agreement हो गया. Hence, अगर एक अग्रीमेंट इीगल है तो वॉइड होगा पर जरूरी नहीं है सारे वॉइड अग्रीमेंट क्या हो इीगल हो कहता देखो डिस्पाइट दैट देर इज अरिटी बिटवीन दम कहता वैसे तो देखो

अपने नीचे फर्क पड़ेंगे भी ये आएगा नीचे ये देखो पहले इसको ही पढ़ लेते हैं सारे बच्चे ध्यान से सुनना कहता है देखो जरूरी नहीं है इलीगल हो लेकिन सारे इलीगल अग्रीमेंट हमेशा क्या होंगे होंगे मैंने ड्रग डीलिंग का कोई अग्रीमेंट किया तुम्हारे साथ या फिर मैंने तुमको बोला कि आ, लेट से उस आदमी को जाके मार दो तो ये इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं ये हमेशा अवॉइड होंगे लेकिन वॉय अग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि इलीगल हो अब जैसे मैंने एक बात बताओ जरूरी नहीं है इनिगल हो जैसे मैंने तुम माइनर माइनर के के साथ किया. के साथ किया करना वॉइड है लेकिन काम तो नहीं है ना ये कोई ऐसा इनगल तो नहीं कर दिया ये चीजें 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 मतलब ऐसी करना जो लॉ मना करता है करने के लिए फॉरबिडन अंडर लॉ है ये फॉरबिडन अंडर लॉ नहीं है पार्टीज को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी पर अगर इीगल अग्रीमेंट करोगे ड्रग डीलिंग का मर्डर वगैरह का तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी तो इन लीगल अग्रीमेंट में आपको पनिशमेंट मिलती है ये काम प्रोहिबिटेड है लॉ में इीगल अग्रीमेंट है वॉइड अग्रीमेंट जरूरी नहीं है इनिगल हो जरूरी नहीं है लॉ फॉरबिड करे जरूरी नहीं है इसके लिए आपको पनिशमेंट मिले ठीक है सारे बच्चों को फर्क समझा गया बेटा और आगे जाके जब आप वॉइड पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा पर अभी आपको ये चीज समझी कि हो सकता है जैसे मैंने माइनर के साथ अग्रीमेंट कर दिया तो वो वॉइड है क्योंकि देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए माइनर के साथ आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते पर माने कर लिया तो ये वॉइड अग्रीमेंट हो गया, गया? हाँ

वाई मेरे को लोन देना वाई ने दस हजार रुपए का लोन ले लिया तो एक्स के पास अब दस हजार रुपए आ गए क्या इसी दस हजार रुपए को एक्स ने किसको दे दिया क्यू को दे दिया और उससे ये क्या लेना चाह रहा है ड्रग्स लेना चाह रहा है मुझे बताओ ये तो इलीगल अग्रीमेंट है ही ये तो इलीगल है ही लेकिन मुझे बताओ एक्स के पास दस हजार रुपए कहां से आए उसने जो लोन का अग्रीमेंट किया है ना ये हो गया कोलेट्रल अग्रीमेंट ये भी वॉइड हो जाएगा ट्रल अग्रीमेंट भी वॉयड हो जाएगा मतलब क्या कहता है देखो अगर आप एक्स आपने दस हजार रुपए लेकर इससे इलीगल अग्रीमेंट किया है तो ये जो दस हजार रुपए का जो आपने अग्रीमेंट वाई के साथ किया है ना ये कोलेट्रल अग्रीमेंट भी आपका क्या हो जाएगा वॉयड हो जाएगा क्या बात कर रही हूं मैडम हां 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 यह जो दस हजार रुपए के लिए तुमने जो लोन लिया ना इस ड्रग्स को खरीदने के लिए जो लोन लिया ये अग्रीमेंट भी वॉयड हो जाएगा अच्छा यस ओके अब दूसरी बात लेट से वर्ड अग्रीमेंट वर्ड अग्रीमेंट लेट से मेरे को माइनर से कोई चीज लेनी थी तो मैंने मैंने एक आदमी से एक्स से दस हजार रुपए लिए और मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया किसके साथ माइनर के साथ तो अगर मान लो ये वर्ड अग्रीमेंट हो गया क्या yes, ये वर्ड अग्रीमेंट हो गया वॉयड हो गया अब मेरे को एक बात बताओ क्या ये जो दस हजार रुपए मैंने लिए थे ये जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये वॉयड होएगा क्या कहता नहीं

वर्ड अग्रीमेंट्स करने के लिए मान लो तुमने कोई दूसरे कोलैटरल अग्रीमेंट्स किए थे तो यहां पे जरूरी नहीं है कि वो वॉइड हो वो वैलिड रहेंगे जरूरी नहीं है कि वो वॉइड हो वो वैलिड भी हो सकते हैं सारे बच्चों को समझा गया बच्चे पार्टी पार्टी बच्चे पार्टी चलो मुझे पानी पीने दो और जब तक तुम इन चा, दो चारों पॉइंट्स को पढ़ो सबको समझा मानशा बेटा आपको थोड़ा सा बैक करके देखना पड़ेगा अभी अपनों ने दो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया बेटा लेकिन चलो आपको अगर डाउट है तो मैं फिर से बता देती हूँ लेट से बेटा सबको ध्यान दे के सुनना पड़ेगा हाँ मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक एग्जाम्पल को दो दो तीन तीन बार वापस से रिपीट करेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको इस बार तो रिपीट कर देती हूँ अदरवाइज आपको वापस से रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं इस बार अपने रिपीट कर देते आ जाओ बच्चों लेट्स से इलीगल अग्रीमेंट आपको पता है ऐसा अग्रीमेंट एंटर करना जो इीगल हो लेट्स से मुझे लेट से ये आदमी है एक्स एक्स को किसका मर्डर करवाना है एक्स को किसी आदमी का मर्डर कराना है एक्स ने पचास हजार रुपए दिए किसका एक्स ने पचास हजार रुपए दिए वाई को और बोला जाके फलाने का मर्डर कर दे ठीक है तो मुझे बताओ एक्स के पास पचास हजार रुपए थे क्या नहीं ये पचास हजार रुपए एक्स ने खुद बारो किए हैं किससे लेट से एक्स ने ये रुपया लोन के रूप में लिया है किससे एफ से, F से. एफ से आपने खुद पैसा लोन पे लिया लोन पे आपने पचास हजार रुपए लिए और इस पचास हजार रुपये से इलीगल अग्रीमेंट एंटर किया तो ये वाला अग्रीमेंट तो ही है 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 ये तो ही है। लेकिन इस अग्रीमेंट को एंटर करने के लिए तुम्हारे पास पचास हजार रुपए जहां से आए ये जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये भी वॉयड हो जाएगा ये कोलैटरल मतलब इस अग्रीमेंट को करने के लिए तुमने जो पचास हजार रुपए जहां से भी लेकर आए हो ये भी कोलैटरल अग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा वॉयड हो जाता है कहता है इलीगल एग्रीमेंट्स को एंटर करने के लिए अगर तुमने कोई जाएगा लेकिन अगर साइकिल खरीद खरीदा और मैंने उसको पांच हजार रुपए दिए अभी क्या वॉइड है माइनर है. के साथ अग्रीमेंट करना होता है अब मुझे बताओ ये जो पांच हजार रुपए हैं ये मैंने किसी और से लिए थे लोन के रूप में तो ये वाला जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये वैलिड है वॉइड नहीं है तो कहता है देखो अगर इीगल अग्रीमेंट्स को करने के लिए अगर तुम कोई कोलैटरल अग्रीमेंट्स में एंटर करते हो तो वो कोलैटरल्स भी हो जाते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है के केस में इट मे नॉट बी नेसेसरी दैट नेग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉर्ड अग्रीमेंट्स में ऑनसो भी वॉयड वो वैलिड भी हो सकते हैं कहता है जरूरी नहीं है वॉय अग्रीमेंट के लिए जो तुमने कोलैटरल अग्रीमेंट एंटर किया है वो वॉइड हो वो वैलिड भी हो सकता है सबको समझा पार्थ एंड मानशा आई होप आपको समझा बेटा सबको समझा विभूति सो मैम प्रोहिबिटेड बाय लॉ मेन थिंग टू अंडरस्टैंड द एंड इलीगल अग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ वॉइड एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है लॉ मना करे जरूरी नहीं है प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो ठीक है चलो ओके okay. इलीगल मतलब काम ही इलीगल नाम ही से समझ में आता है आपको इलीगल मतलब जो लीगली जो चीज तुम नहीं कर सकते लीगली जो लॉ मना करता है करने के लिए जैसे ड्रग डीलिंग करना मर्डर करना क्या लॉ मना करता है क्या इीगल काम का मतलब आप इतने बड़े तो हो कि आप ये चीज इीगल वर्ड का मतलब समझो इन मतलब जो लीगल ही ना हो लॉ मना करे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तो वो तो वाइड ही होंगे मतलब वो तो वाइड ही होंगे मतलब जिसके लिए तुम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते ये तो वाइड अग्रीमेंट्स ही है बट कुछ वाइड अग्रीमेंट जरूरी नहीं है ना इलीगल हो मैंने माइनर के साथ मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया कोई अग्रीमेंट कर भी लिया माइनर के साथ तो वह है तो वाइड लेकिन वो इलीगल नहीं है ना समझा चलो ओके okay. ओके okay. चलो तो बेसिकली इलीगल एक बात बताऊं तुम्हें एक बात बताऊं तुम्हें, सारे बच्चे से ध्यान से सुनना एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए आपने एक चीज मेरे से पढ़ी थी एक चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा जब उसमें बहुत सारी चीजें होगी आपने पढ़ा था क्या जब फ्री कंसेंट होना पड़ा किसी का कंसेंट जोर जबरदस्ती द्वारा नहीं होना पड़ा फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी थी क्या कि पार्टीज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी पड़ी पार्टीज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी पड़ी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना पड़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे आप परफॉर्म कर सको जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होना चाहिए जो सर्टेन हो कंफ्यूजिंग ना हो वेग ना हो राइट फिर आपने ये पढ़ा जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए इलीगल नहीं होना चाहिए तो मेरे को सारे बच्चे एक अपने बात बताना लॉजिक को यूज करके बताना एवरीबडी प्योर लॉजिकल पॉइंट है मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट लेट से जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वही लीगल नहीं है वही इलीगल है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ क्या देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो क्या करे जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट 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 अब मुझे बताओ अगर तुमने कोई चोरी चकारी डाका डालने का का contract, का मर्डर करने ड्रग डीलिंग एंटर किया है तो इलिगल ऑब्जेक्ट हो गया क्या तो इीगल हो गया तो ये तो वैलिड ही नहीं हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली इसे हम अग्रीमेंट ही बोलेंगे क्यों क्योंकि मैडम क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इीगल ऑब्जेक्ट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना क्यों क्योंकि ये कोई लीगल क्रिएट करता ही नहीं है अब मैंने किसी को बोला ये ले पैसे पकड़ और उसके घर में आग लगा दे ये ले पैसे पकड़ उसके घर में डाका डाल दे तो ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं क्या लीगल ऑब्लीगेशन तो क्रिएट तो ही नहीं करते तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए ही नहीं ये क्या बस क्या बन के रह जाएंगे ये सिर्फ अग्रीमेंट ही बन के रह जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाएगा ही नहीं समझ रहे हो

तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा बार बार ये इलीगल एग्रीमेंट अग्रीमेंट क्यों बोल रहा है ये इलीगल अग्रीमेंट क्यों बोल रहा है क्योंकि ये मैडम कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं क्यों क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट्स अग्रीमेंट कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं करते तो अग्रीमेंट्स ही रहेंगे तो इलीगल अग्रीमेंट हमेशा वाइड है एवरीबडी सबको समझा चलिए क्या मैम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड अगर हो जाता हो तो यूज इलीगल अरे तुमको समझ में आ जाना चाहिए इलीगल वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोग ट्वेल्थ क्लास तो सब बच्चे पास किए हो तो आपको एटलीस्ट इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए इलीगल चीजें क्या होती है जो लॉ मना करता है करने के लिए लॉ मना कर रहा है कि ऐसी चीजें मत करो तो इल्लीगल अग्रीमेंट हमेशा ही क्या होंगे बोला डाल सामने गाड़ी जला दे, जा उससे खरीद ले तो ये सब इनगल काम है क्या जो लॉ मना करता है क्या करने के लिए हाँ वही कर रहे हो आप तो ये क्या लीगली इन्फोर्सिबल है क्या तुमने उसने सामने वाले ने डाका नहीं डाला तो तुम उसको कोर्ट में ले जाओगे क्या देखो उसको डाका डालने के लिए पैसे दिए थे नहीं पर कर रहा तो ये void ही होंगे ना क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं करते हैं तो ये इलीगल अग्रीमेंट्स हैं जो लॉ मना करता है करने के लिए फिर भी आप अगर कर रहे हो तो इन्हें हम इलीगल अग्रीमेंट बोलेंगे यहां ऑब्जेक्ट क्या है इलीगल ऑब्जेक्ट है ठीक है चलो समझा सारे बच्चे इलीगल काम करना मतलब ऐसा काम जो लीगली तुम्हें नहीं करना चाहिए इलीगल अग्रीमेंट्स इलीगल सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट्स क्या होंगे Void ही होंगे पर कहता है जरूरी नहीं है सारे वॉय अग्रीमेंट इीगल हो हाँ कुछ अग्रीमेंट हो सकता है void हो पर जरूरी नहीं है ना वो इलीगल हो जरूरी नहीं है जैसे माइनर के साथ मैंने अग्रीमेंट कर तो लिया है तो वॉइड लेकिन वो इलीगल काम तो नहीं है ना ऐसा नहीं ना लीगली जिसको कर नहीं किया नहीं जा सकता चलो अब सारे बच्चे इधर आ जाएंगे और बताएंगे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या अनएनफोर्सिएबल मैडम अन एनफोर्सिएबल का एग्जाम्पल दो सारे बच्चे लेट से मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने बोला यार ये लो आप मेरा ना एक लाख रुपए का ऐसा ऐसा इंश्योरेंस वगैरह कर दो आपको क्या मैंने ये बात बताई थी क्या बेटा हमेशा कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ये हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए मैंने आपको बताया था क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखित में ही होना चाहिए तो मुझे बताओ मैंने सामने वाले को इंश्योरर को लाख रुपए दे दिए और बोला कि चल मेरा इंश्योरेंस कर दे पर मैंने कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया अब मुझे बताओ कल चलकर लेट से मैंने अपने घर को इंश्योर करवाया था मैंने घर का इंश्योरेंस करवाया था एक लाख रुपए का पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में एंटर ही नहीं किया मैंने उसको लाख रुपए दे दिए पर राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर नहीं हुआ Law बोलता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में जरूरी है ना। देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं राइटिंग में भी हो सकते हैं बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है लिखित में हो जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे बताओ मैंने राइटिंग में अगर एंटर नहीं किया कल चलकर घर में आग लग गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और मैंने बोला यार तुमने मेरा लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया था अब तुम मेरे को मेरा घर जलाया पूरे पैसे दो तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर रही है इंश्योरेंस कंपनी कह रही है दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट कहां पे है दिखाओ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहां पे आप कह रहे हो तो ओरल था चलेगा नहीं इन्फोर्सिएबल नहीं है ये क्यों आप कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटा ही नहीं सकते क्योंकि कानून ने क्या बोला कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो राइटिंग में होने चाहिए जैसे इंश्योरेंस अब तुमने लिखित कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं किया तुम क्या सामने वाले को कोर्ट में लेके जाओगे तुम्हारे पास कोई लिखित में है ही नहीं कि तुमने उसको लाख रुपए दिए उसने तुम्हारा घर इंश्योर करवाया कुछ लिखित में ही नहीं है तो मुझे बताओ तुम कोर्ट में क्या गसीट के लेके जाओगे कोर्ट बोलेगा दिखाओ कि तुमने कहा इंश्योरेंस लिया तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए कि तुमने सच में इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया कहता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि contract में कोई कोई हो हो गया। कहता है ठीक ठीक ही ही किया था तुमने, contract था, तुमने, तो उसमें गए, जैसे एप्सेंस इन राइटिंग लिखित में नहीं है कहता कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक ही एंटर किया था तुमने बट उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया जैसे राइटिंग में एंटर नहीं किया सबको समझ में आ रहा है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है बेटा देखो

चलो मैं तुमको लिमिटेशन एक्ट बताती हूं बेटा एक लिमिटेशन एक्ट है सुनना, बार बार रिपीट होगा आगे एक ही चीज है पूरा एक्ट नहीं आपको पढ़ना लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है सुनना कहता है मान लो तुमने लेट से मैंने तुमको तुम आए मेरे पास रोते रोते कौन आई आसीन आई आसीन रोते रोते आई आसीन ने बोला मैडम मेरे को बुक्स खरीदने का है क्लास खरीदने का है पैसा नहीं है तो मैंने कहा यह लसीन पचास हजार रुपया पकड़ और अपनी क्लासेस वगैरह खरीद ले आसिन ने बोला मैडम छह महीने में पैसा दे दूंगी लेकिन आसिम ने छह महीने में पैसा नहीं दिया और मैं भी इस बात को भूल गई तीन साल बाद साल बाद मुझे याद आया थ्री इयर्स आफ्टर मेरे को याद आया कि अरे आसिन ने तो पचास हजार रुपया लिया था और मुझे पैसा दिया ही नहीं अब मैं आसिन को बोल रही हूँ आसिन मेरे को पैसा दो नहीं तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी आसीन कह रही है थोड़ा बहुत लॉ तो मैंने भी पढ़ा है सुनो हेलो मैडम लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है एक लिमिटेशन एक्ट है वो क्या कहता है कि अगर आपने किसी को डेट वगैरह दिया तो डेट को आपको तीन सालों में रिकवर कर लेना है अगर आपने तीन साल में पैसा रिकवर करने का कोई स्टेप वगैरह नहीं लिया ना तो यू आर बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब तीन सालों बाद आप कोई एक्शन नहीं ले सकते क्यों क्योंकि आपको एक्शन तीन सालों में लेना चाहिए अगर आपने तीन साल तक कोई एक्शन नहीं लिया तो टाटा बाय बाय अब आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटाख खटखटा -कट, खट सकते तो अब मुझे बताओ अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने तीन साल तक आसीन से पैसे मांगे नहीं अब तीन साल बाद मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हूं कि आसीन मुझे पचास हजार रुपए नहीं दे रही कोर्ट कहेगा हमारे पास मत आओ आपका केस बाय लिमिटेशन है मतलब तीन सालों में आना चाहिए था आप नहीं आई अब आप मेरे पास नहीं आ सकते हम भी कुछ नहीं कर सकते तो बेसिकली देखो जहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ए ने बी से गुड्स खरीदे दो में ए ने गुड्स खरीदे किससे गुड्स खरीदे बेटा ए ने मैडम बी से गुड्स खरीद लिए अच्छा अब सुनना इधर आना इधर आइएगा ए ने गुड्स किससे खरीदे बी से ओके ए गया बी के पास और बोला गुड्स दे दे बी ने गुड्स दे दिए कब दे दिए बेटा 2015 में लेकिन ए ने कोई पेमेंट नहीं की 2019 तक कोई पेमेंट नहीं की बी कैनॉट सु ए फॉर द पेमेंट इन अब हजार 2019 में ए को सू नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि तीन साल क्रॉस हो गए हैं और अब बार्ड बायिटेशन हो गया कहता है एक डेट आप अगर रिकवर करना चाहते हो तो तीन साल में कर दो अगर आप तीन साल के बाद जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे ना तो फिर वो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कोर्ट बोलेगा तीन साल में आना चाहिए था तुमको

Un सबको समझा सारे बच्चे मेरे को बता दो un मतलब था था तो तो के हिसाब से वैसे ठीक तो क्योंकि कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया जैसे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है या बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं है सारे बच्चे अब मेरे को बता दो तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मेरे साथ इधर आ जाओ मैडम आपने हमें ना सबसे पहली बात बताई थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था वैलिड मतलब क्या हो गया एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मैंने तुम्हें बाइक बेची तुमने मुझे पचास हजार रुपए दे दिए बस ये वैलिड है जिसमें कंसेंट भी फ्री हो सारे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वर्ल्ड मतलब क्या होता है क्या याद रखना है वर्ल्ड मतलब विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल पहले तो ठीक ही था पहले जब एंटर किया था तब तो वैलिड ही था बट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब लेट्स से पेंटर मर गया बुक का राइटर मर गया घर में आग लग गई तो अब क्या करेंगे कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल अच्छा फिर आपने पढ़ा वॉयडएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने तुम्हारे सर के ऊपर गन रख के तुमसे कोई चीज खरीद ली तो वन पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल तो है अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी यह पार्टी अग्री करेगी कि ठीक है तब यह अग्रीमेंट क्या हो जाएगा एनफोर्सिएबल बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ इस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसने गन वन रखा यह पार्टी के पास ऑप्शन है अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट दी ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओके फिर आपने क्या पढ़ा इन लीगल अग्रीमेंट आपने पढ़ा इनलीगल अग्रीमेंट्स मतलब वो अग्रीमेंट्स जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो इनलीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं वॉइड होते हैं इसके साथ आपने क्या पढ़ा अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता जैसे राइटिंग में नहीं है या बार डबाई लिमिटेशन हो गया बता दो सबको यहां तक समझा गया बेटा चकाचक समझना चाहिए तुम लोग को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है बेस्ट है क्या मैडम हा मैडम चलिए जी ओके अब मेरे साथ आप लोग है ना एक और डिफरेंस समझेंगे मेरे को आपको ये डिफरेंस समझाने की जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट ये तुम अपने आप समझ जाओगे वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है आपने अभी अभी पढ़ा डेफिनेशन क्या पढ़ी थी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ को कहते हैं वर्ल्ड राइट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल लेकिन वॉयडेबल मतलब ऐसा एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल तब होगा जब एक पार्टी क्या कर दे अग्री करेगी एट दी ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी दूसरे पार्टी जिसने जोर जबरदस्ती की उसके पास ऑप्शन नहीं है पर दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन है वो पार्टी अग्री करेगी तो फिर एनफोर्सिएबल हो जाएगा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो ये वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है आपने पढ़ा अच्छा मुझे बताओ वॉय कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्स हो ही नहीं सकता अगर मान लो पेंटर पेंटिंग बनाने से पहले ही मर गया तो आप क्या पेंटर को अब लेके जाओगे क्या कोर्ट में वो तो मर गया उसको क्या लेके जाओगे एनफोर्स एनफोर्स ही ही नहीं नहीं कर सकते कहता अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसे इन्फोर्स करवाया ही नहीं जा सकता लेकिन मुझे बताओ नव को मैंने प्रॉपर्टी का बीस करोड़ नहीं पचास करोड़ दिया तो नव ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया क्या हाँ तो कहता है इट इज एनफोर्सिबल ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एनफोर्सिबल होते हैं क्या हाँ बट ओनली एट ऑप्शन ऑफ दीव पार्टी अगर अग्रीव पार्टी सहमति दे देगी कि ठीक है मुझे मंजूर है तब बाय लॉ होगा बट नॉट दी एप्शन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है तो किसकी वजह से वॉइड हो सकता है हो सकता है लॉ बदल गया हो या सरकम चेंज हो गए हो बियॉन्ड दी ऑफ पार्टीज से पेंटर मर गया सरकम चेंज होने की वजह से मान लो पेंटर मर गया पब्लिशर मर गया घर में आग लग गई तो कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाएगा हो सकता है लॉ बदल जाए हो सकता है सरकम बदल जाए लॉ बदल जाए मतलब क्या नहीं एल्कोहल बेचा जा सकता है लेकिन लेट से फिर गुजरात गवर्नमेंट ने एल्कोहल बेचने पे बैन लगा दिया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्या अब इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता क्यों पहले तो ही था पर अल्कोहल लॉ चेंज हो गया गुजरात में लेट से अल्कोहल के कंजम्शन पे सेल पे परचेज पे बैन लगा दिया तो लॉ के बदलने से एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लॉ बदल जाए इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदल जाए ठीक है मैम बुक्स कब तक डिलीवर होती है बेटा बुक्स डिलीवर होने में अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन डेज लगते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहां रहते हैं अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं तो बुक्स जल्दी डिलीवर हो जाती है अगर आप कोई एक छोटे जगह में रहते हैं तो थोड़ा समय लगता है तो बारह से पंद्रह दिन लगते हैं बुक्स को आने में ठीक है चलिए इसलिए कहते हैं कोर्स को टाइम पे खरीद लो ताकि हम भी आपको बुक्स जल्दी जल्दी भेज सके है है ना चलो कहता कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉयडेबल अगर पार्टीज का कंसेंट फ्री ना हो तो वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा जब पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कब वॉयड होगा जब लॉ बदल जाए सर्कमस्टिस बदल जाए वॉयडेबल कब होगा जब कंसेंट फ्री नहीं होगा तो ठीक है बहुत ही सिंपल है अब ये लास्ट दो डिफरेंस ही पढ़ लो परफॉर्मेंस अब एक पेंटर मर गया तो किससे परफॉर्म करवाओगे मरा हुआ पेंटर थोड़ी कर देगा अब पब्लिशर मर गया तो अब बुक्स किससे पब्लिश कराओगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता लेकिन जो वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर अग्रीव्ड पार्टी सहमति दे दे इफ दीव पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज देयर राइट टू अवॉइड देन पार्टी कैन सू फॉर क्लेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब रानी चलो लास्ट में आपको दिखा दूंगी रानी अल्टीमेट सी ए डॉट कॉम के वेबसाइट पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो मैं आपको बता दूंगी बेटा कहता देखो इफ दी अग्रीव्ड पार्टी सामने वाली पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रही तो फिर दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है क्या परफॉर्मेंस हाँ देखो आपके पास ऑप्शन था आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे पर आपने कैंसिल नहीं किया तो अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा क्या हाँ कहता अगर अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे कैंसिल नहीं कर सकती लेट से मैंने नव की बिल्डिंग खरीद ली थी

आगे वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी वर्ल्ड अग्रीमेंट अगर सॉरी वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना तो किसी के पास भी कोई लीगल रेमेडी नहीं है पेंटर मर गया पब्लिशर मर गया घर जल गया ये सब में अब क्या लीगल अब तुम कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कोई लीगल रेमेडी ले सकते हो क्या कि पेंटर को जिंदा कर दो पब्लिशर को जिंदा कर दो आग लगे हुए घर को ठीक कर दो अब कोई लीगल रेमेडी नहीं बची लेकिन अगर पार्टी जिसका कंसेंट फ्री ना हो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं रीजनेबल टाइम में चाहे तो नहीं भी कर सकते चाहे तो कर भी सकते हैं अगर कैंसिल कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ठीक है सारे बच्चे मेरे को आप लोग अब बताइएगा बहुत ही सिंपल है आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड voidable... ओहो बहुत ही खराब लाइन बनी है वर्ड और वर्डेबल में क्या फर्क है पहले तो डिफाइन कर दो वर्ड मतलब क्या विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल सीजेज टू बी एनफोर्सिएबल वो क्या हो गया मैडम वर्ड वर्डेबल मतलब वर्डेबल मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्स होगा एक पार्टी के ऑप्शन पे विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट दर वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है क्या इसको ये वर्ड हो गया इसको कैसे परफॉर्म करोगे नहीं इसको परफॉर्म किया जा सकता है हां अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करती तो फिर परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना अच्छा मुझे बताओ क्या यह एनफोर्सिएबल है नहीं ये एनफोर्सिएबल नहीं है पर यह एनफोर्सिएबल है अगर सामने वाली पार्टी अग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करती तो फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा और आपको एनफोर्सिबल बाय लॉ रहेगा अच्छा अब मेरे को एक बात बता दो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आपके पास कोई राइट right होते हैं क्या नहीं कोई लीगल रेमेडी नहीं है यहाँ पे जिसके साथ जोर जबरदस्ती हुई वो क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कैंसिल कर सकता है उसके पास राइट right है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कब होता है जब चेंज हो जाए क्या या तो लॉ चेंज हो जाए या चेंज हो जाए यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है कंसेंट ऑफ नॉट फ्री जब फ्री कंसेंट ना हो तो सभी बच्चों को समझा गया एवरीबडी मेरे को बता दोगे सारे बच्चे समझा गया बच्चे, पार्टी। चोड़े -चोड़े, मोड़े -मोड़े, प्यारे -प्यारे बच्चे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की आई होप आपको अच्छे से समझ में आई बात क्लियर है हंड्रेड परसेंट क्लियर है चलो ओके मैडम क्लियर है एकदम जाते जाते और थोड़ा सा पढ़ ले क्या एक अपने ये पढ़ लेते इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते आपने अभी बेटा ये पढ़ा है क्या कि वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के वैलिडिटी वैलिड वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये आपने वैलिडिटी के हिसाब से पढ़ा अब आप फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ोगे जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं बेटा बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अच्छा मुझे बताओ एक्सप्रेस मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है ओरल या राइटिंग में अगर आपने लिखकर या बोलकर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी मतलब मैडम तुमने ऐसा कुछ किया तुमने ना तो बोला तुमने ना तो लिखा पर ऐसा कुछ कर दिया क्या किया तुमने कुछ ऐसा किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्जाम्पल दो तुम बस स्टैंड पे खड़े थे बस तुम्हारे सामने आके रुकी तो बस ने तुम बस ने तुमको बोला आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा नहीं बोला तो कुछ बोला नहीं बस तुम्हारे सामने बस आकर खड़ी हो गई तो बस ने तुमको ऑफर दे दिया कि आजा गाड़ी में बैठ जा तुम गाड़ी में बैठ गए अब मुझे एक बात बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या तुमने कुछ ऐसा किया क्या किया बस तुम्हारे सामने रुकी और तुम बस में बैठ गए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या हाँ एक और चीज ट से तुम स्टेशन पे उतरे कूली तुम्हारे सामने आया तुम्हारा सामान उठा के चलने लगा तुमने कूली को बोला था क्या मेरा सामान उठा ले नहीं कूली ने बोला था क्या मैं तुम्हारा सामान उठा लू क्या नहीं बस कूली सामान उठाया और चलने लगा तुम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे तो तुमने क्या किया कूली ने सामान उठाया और तुम उसके पीछे पीछे चलने लगे तो दोनों पार्टीज के कंडक्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इसे कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओके सारे बच्चे सारे बच्चे इधर आओगे कहता है कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बना उस हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप का होता है डिसाइड हो। जैसे लो, ने को किया और बोला कि मेरा घर खरीद ले दस दो लाख रुपए में बी ने बोला ठीक है मैं खरीद रहा हूं तो ये बोलकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, तो इसे क्या कहते हैं एक्सप्रेस या लिखकर अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बोलकर या लिखकर एंटर किए गए हो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर बायल ओरली तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अब मैडम इंप्लाइड मतलब क्या हो गया जैसे कूली का एग्जाम्पल लेट से ड्रिंक्स कॉफी इन द रेस्टोरेंट्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यूड पे फॉर द कॉफी आप गए किसी दुकान में वहां से तुमने कोको -को कोला निकाली फ्रिज में से और कोको -को -को कोला पी गए तो तुमने क्या किया तुमने कुछ ऐसा किया उस दुकान में जाके तुमने वहां पर बैठे बैठे कोको कोला गटका गए फ्रिज से तो पैसे तो दे रहे पड़ेंगे ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब

किसी दुकान में फ्रिज से कोको -को कोला निकाल के पी गए तो आपने कुछ ऐसा किया या आपने जिस तरीके से डीलिंग की उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कहता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टेंस में कैसे आया है इम्प्लीकेशन द्वारा इम्प्लीकेशन मतलब या तो पार्टीज ने कुछ किया या बाय कोर्स ऑफ देयर डीलिंग दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सबको समझा मैम मैंने ट्वेंटी uh, फोर से बैच स्टार्ट किया है बैकलॉग कैसे कंप्लीट करे प्लीज बता दो बेटा बैकलॉग uh, uh, बेटा आपका बैकलॉग धीरे धीरे आप कंप्लीट करो लेट से आपके हो सकता है ट्वेंटी लेक्चर्स बैकलॉग में हो तो रोज आप इवनिंग में एक एक लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो जिससे आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करो आप एक टाइम टेबल बना लो बेटर तो ये रहता है कि अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना लेट्स से आपने ये टाइम टेबल बना लिया कि वीक में मैं मान लो बीस लेक्चर लॉ के है जो आपको देखने हैं बैकलॉग में तो आपने वीक में एक टाइम टेबल बना लिया हर वीक में मैं कम से कम चार लेक्चर देखूंगा तो उससे क्या हो जाएगा आपके आगे आने वाले वीक्स में आपके बीस लेक्चर ऐसे कवर हो जाएंगे तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा लेट से आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि ट्यूजडे थर्सडे और फ्राइडे और संडे मैं ये चार दिन लॉ की एक एक्स्ट्रा क्लास एक 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 भी देखूंगा जो कवर हो चुकी है तो उस हिसाब से करो बेटा हो जाएगा ठीक है आई विल डेफिनेटली क्लियर सी ए हाय मैम आई आई एम स्केर्ड विल पास सी बेटा आपने नाम तो रखा है आई विल डेफिनेटली क्लियर फिर आपको डर किस बात का है आपने नाम रखा है अपना आई विल डेफिनेटली क्लियर और आप मुझसे पूछ रहे हो मैडम मैं क्लियर करूंगा कि नहीं बेटा पढ़ाई करोगे तो क्लियर होगा सौ बात की एक बात डरने से कुछ नहीं होता जो बच्चे पढ़ते हैं मैं देखो ये मेरी बात ना आपको ना ऑनेस्टली बुरी लग सकती है आपको लग सकता है मैडम कितनी रूड हो यार तुम कितने रूडली ऐसे जवाब दे रही हो बेटा मैं ना सच बोल रही हूँ और सच्चाई थोड़ी कड़वी तो होती है बेटा पढ़ोगे तो हो क्लियर अब नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो क्लियर बस इतना ही है आज मैं भी तुम्हारे पोजिशन में कभी तो थी मैंने भी सीए फाउंडेशन एग्जाम दिए हैं मैंने भी सीए इंटर दिया मैंने भी सीए फाइनल दिया मुझे डर नहीं था क्या मुझे भी डर था क्या मैं इंसान हूं क्या हाँ तुम जैसे ह्यूमन बीइंग एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग तो डर तो सबको लगता है लेकिन डर को भगाया कैसे जाएगा जब पढ़ाई करोगे बेटा पढ़ने से ही होगा इधर उधर आके मेरे से पूछने से नहीं होगा मैडम मैं क्लियर करूंगा कि नहीं मेरे को नहीं पता बेटा तूने कितना पढ़ाई किया है पढ़ोगे तो हो गए क्लियर और बेटा मेहनत चाहिए चाहे फिर वो सीए का ही कोर्स क्यों ना हो चाहे वो कोई और कोर्स क्यों ना हो तुमको क्या लगता है कि सिर्फ सीए में ही पढ़ाई करनी पड़ती है सीएस में भी पढ़ाई करनी पड़ती है और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स तुमको लगता है तुम एमबीबीएस तुम डॉक्टरी का कोर्स करोगे एमबीबीएस करोगे तो उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा सब जगह पढ़ना पड़ेगा इंजीनियर तो बहुत होते हैं पर जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास करते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की हुई है जो आई वगैरह से पास करते हैं उनकी वैल्यू है तो देख लो भाई सी में क्या है वो कहते हैं तुम मेहनत करो तो हम तुम्हें पास ऊपर तो तुम तुम निकलो तुम सबसे अच्छे से एकदम तगड़े तरीके से मेहनत करो तुमको बेस्ट बनना है अपनी फील्ड में तो मेहनत करना है ठीक है चलो ओके बेटा ऑल राइट <coughs> चलिए जी आज की क्लास बेटा खत्म होती है अब मैं तुमको एक होमवर्क दूंगी ठीक है ओके मैडम चल बेटा दो मिनट रुक जाओ होमवर्क का एक शीट निकालने दे मुझे आज एक्चुअली क्या है ना आज मेरा दूसरा मैंने सिस्टम यूज किया है यूनिट वंस देखिए आपके लिए कोई होमवर्क क्वेश्चन मिलता है तो नहीं तो मैं ही आपको दूंगी लिखने के लिए चलो ये आपका होमवर्क है बेड़ा या आपकी बुक का सवाल नहीं है मैं अलग से आपको दे रही हूं आप ये होमवर्क में करके आएंगे होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क ला 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 ओके बच्चों ये बेटा जी आपका आज का होमवर्क है सभी बच्चे होमवर्क को करके आएंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे ओके चलो एवरीबडी आई होप तुमको आज कॉन्ट्रैक्ट समझा और एक बात बता रही हूं जितना भी मैंने तुमको आज पढ़ाया है प्लीज बेटा उसको रिवाइज कर लेना प्लीज यूनिट वन हमने जितनी भी की है आप सभी उसको क्या करेंगे रिवाइज करेंगे और अगर किसी बच्चे के पास अभी तक बुक नहीं मिली है तो मैं आज ही वीडियो में पक्की बात मैं नीचे ड्राइव का लिंक अटैच कर दूंगी जिसमें मैं यूनिट वन के नोट्स को डाल दूंगी लेकिन अगर किसी को प्रिंटेड बुक से पढ़ना है तो बेटा आईसीआई का मटेरियल भी आप खोल के बैठ सकते हो क्योंकि वो प्रिंटेड बुक आपके पास होगी अभी घर पे तो आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी खोल के मेरे साथ पढ़ सकते हो मेरी पूरी वो मटेरियल को कवर करती है ठीक है चलो मैम ग्रुप में डाल देना प्लीज अरे फैनी यहां से देख लेना बेटा यूट्यूब पर रहेगी ये क्लास तेरी चल मैं डाल देती हूँ फिर भी अब मैं आंसर भी डालूंगी लेकिन तुम लोग चीटिंग मत करना आंसर को चीट करके मत करना ठीक है चलो ओके okay, अच्छा और बच्चे मेरे से कोई रानी मेरे को पूछ रही थी ना कि मैडम हम कहा से लेंगे तो एक काम करती हूँ मैं आपको अल्टीमेट सी के वेबसाइट पे लेके जाती हूँ आइएगा बेटा तो ये अल्टीमेट सीए का वेबसाइट है अगर किसी को बुक्स खरीदने हैं लेक्चर्स खरीदने हैं तो आप अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पे आइएगा यहाँ कोर्सेज में जाइएगा फाउंडेशन न्यू सिलेबस है आपका और आप यहाँ पर आ सकते हो किसी भी टीचर का अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदना है तो भी खरीद सकते हो और अगर आप चाहो मेरा लॉ खरीदना सिर्फ लॉ खरीदना है तो यहां से खरीद लेना एनरोल नाउ से ठीक है और अगर आप पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लेना जहाँ पे लॉ बाय सीए दीपिका राठी है अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो लॉ तो लॉ बाय सीए दीपिका राठी को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना यहां से आप खरीद लेना सारे टीचर्स के क्लासेस को ठीक है ओके एवरीबॉडी मैम आईसीआई के मटेरियल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भगवत गीता है वो आपके लिए कुछ रॉन्ग नहीं है कुछ एकाध चीजें कभी कभी गलत प्रिंट हो जाती है उसके अलावा कुछ गलत नहीं है बुक में कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जहां पे एग्जाम्पल वेग्जाम्पल में गलती की है पर ऐसा कुछ और बहुत ज्यादा मेजर गलत नहीं है मैम मुझे भी ग्रुप में एड कर दो जो भी बच्चे ने ऑलरेडी अल्टीमेट सी पे एनरोल कर लिया है वही बच्चे टेलीग्राम पे एड हो पाएंगे और आप टीम को संपर्क कर सकते हैं टीम आपको ऐड कर देगी बेटा ठीक है चलो ओके okay, बेटा हैव अ गुड डे बेटा चलिए जी बाय बाय सी यू हैव अ गुड डे बाय बाय बच्चो होमवर्क करके आना होमवर्क करके आना ओके चलिए ओके बाय